बाजपौली पुलिस थाना अंतर्गत कमाल चौक के पास मामूली विवाद के चलते हत्या का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक ही घंटे में आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। बाजपौली पुलिस थाना अंतर्गत कमाल चौक स्थित शनिचर बाजार के पास जनता वाइन शॉप के पीछे आरोपी भूरा उर्फ सोनू वल्द अब्दुल सफर ने बोरकर नामक व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी भूरा और मृतक बोरकर पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और हमेशा साथ में रहते थे। वो दोनों ही पंचर बनाने वाले सोल्यूशन का नशा करते थे। घटना वाली रात भी दोनों ने नशा किया, जिसके बाद उन दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिस पश्चात उन दोनों में गाली गलौज भी हुई, जिसे गुस्सा आरोपी ने मृतक पर पत्थर से वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेंटी ने अधिक जानकारी साझा की। पाचपावली पोलीस स्टेशन हद्दीतील कमाल चौकाजवळ जो शनिचरा बाजार आहे, तिथे एक ग्रस्त आहे ज्याचं नाव बोरकर असं समजलेलं आहे, जो भिकारी होता, भीक मागून आपला उदरनिर्वाह करायचा। त्याच्यासोबत दुसरा जो ज्यांनी हत्या केली अशी माहिती मिळालेली आणि त्याला आम्ही अटक पण केलेली असा तो आरोपी भूऱ्या उर्फ सोनू वल्द अब्दुल शकूर याच्यासोबत नेहमी राहायचा। त्या दोघांमध्ये आई बहिणीची शिवीवरून त्यांचा वाद आणि मारामारी झाली आणि यातला जो आरोपी आहे भूऱ्या त्याने मयताच्या डोक्यावर दगड मारून त्याची हत्या केली। आरोपी जे पंक्चरचं सोल्युशन असतं त्या सोल्युशनची नशा करतात आणि कालसुद्धा आरोपीला जेव्हा आम्ही ताब्यात घेतलं तेव्हा तो त्याच नशेमध्ये होता। नाही, आरोपीचं सध्या आमच्या रेकॉर्डवर काही नोंद नाही किंवा त्याच्यावर दोघं काही गुन्हा दाखल नाही। बरोबर आहे, दोघंही एकत्रच राहायचे, यातून भीक मागून जो काही पैसा मिळायचा ते आपसात जेवण खावण आणि नशा वगैरे करणं ते सोबतच करायचे। हत्या की वारदात के एक घंटे के भीतर ही पाचपौली पुलिस थाने की डीबी टीम ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने में कामयाबी हासिल की है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।